हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है कि जो हमने ट्रांसअमाइनेशन ये कर की थी, ट्रांसअमाइनेशन करके हमने क्या बनाया था, ग्लूटामेट। ठीक, अब वो ग्लूटामेट क्या होगा, ग्लूटामेट की हम करेंगे डीअमाइनेशन। ग्लूटामेट की डीअमाइनेशन मतलब कि अब इसमें से हम अमाइनो ग्रुप जो है वो निकाल के दोबारा से हम क्या बनाएंगे, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ठीक, अब इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक, ऑक्सीडेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमें रिएक्शन जो है ये चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनएडी। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एनएडी, जो कि कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच में। ठीक, एनएडी को कन्वर्ट किया एनएडीएच में। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्लूटामेट से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एनएडी को जो है हमने रिड्यूस किया है। ठीक, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। और इसमें से क्या हमने रिमूव किया है, अमाइनो ग्रुप NH3 भी क्या है, रिमूव किया हमने। अब यहाँ पे जो है हमने एंजाइम कौन सा यूज़ किया है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक, क्या कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज हम यहाँ पे एंजाइम यूज़ करेंगे। ग्लूटामेट को अल्फा कीटो ग्लूटारेट में इसकी डीअमाइनेशन करके इसको कन्वर्ट कर दिया है हमें अल्फा कीटा ग्लूटारेट में। एनएडी यूज़ किया हमने यहाँ पे और एनएडी कन्वर्ट हो गया एनएडीएच में। अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज हमने यूज़ किया। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है ये हमारा मेनली कहाँ पर होता है, लिवर एंड किडनी। डीअमाइनेशन वाला रिएक्शन कहाँ पे होता है, लिवर या किडनी के अंदर होता है। ठीक, अब ये जो अमाइनेशन डीअमाइनेशन का है, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक, रिवर्सिबल का मतलब है कि ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, टू वे है। ये ग्लूटामेट्स को अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को जाके हम ग्लूटामेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जब हम ये डीअमाइनेशन का रिएक्शन मतलब कि अब हम अगर इसको रिवर्स करेंगे तो वो रिवर्स में रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्टिव अमाइनेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन। ठीक, रिडक्टिव अमाइनेशन में क्या करेंगे हम, जो NH3 हमने यहाँ पे ग्रुप रिमूव किया है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, NH3 ग्रुप ऐड करेंगे। ठीक, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है उसको ही हमने क्या किया, उसकी अमाइनेशन करेंगे तो क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोएंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं, NADPH यूज़ किया है हमने। NADPH जो है रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। ठीक, NADPH हमने यूज़ किया, वो कन्वर्ट किस में होगा, NADP में, कोएंजाइम, और हमने इसमें क्या किए, अमाइनेशन किए। तो अमाइनेशन किए हमने तो कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन वाला जो रिएक्शन है ये टू वे में होता है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। मीन्स अगर ग्लूटामेट को अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट करेंगे और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को ग्लूटामेट में। ठीक, इस वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्टिव अमाइनेशन। अमाइनेशन मीन्स इसको हम, इसमें हम अमाइनो ग्रुप ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइड में रिएक्शन होगा। अब क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी में हमने प्रोटीन खाई है तो वो इसमें डिपेंड करता है ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक, अब हमने प्रोटीन खाई तो प्रोटीन को हमने ब्रेक डाउन किया अमाइनो एसिड की, तो अब जब ट्रांसअमाइनेशन हुई तो हमारे पास क्या आया, ग्लूटामेट आया। ठीक, अब हमारी बॉडी में ग्लूटामेट ज़्यादा हो गई है तो ये क्या होगा, प्रोसीड करेगा आगे की तरफ के, भले ये अमाइनो एसिड जो है वो टूट जाए। अगर हमारे बॉडी में ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो क्या होगा, लो में क्या होगा कि ये रिडक्टिव अमाइनेशन होगी, ये इसको वापस से कन्वर्ट करेगा ग्लूटामेट में, ताकि ग्लूटामेट हमारी बॉडी में मौजूद रहे। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ग्लूटामेट की और अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये चीज़ों पे जो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये इसमें कुछ होते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्टिवेटर। ठीक है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। अब एक्टिवेट कौन करता है, इनहिबिट कौन करता है, एक हमारे पास होता है GTP, ठीक है, और एक होता है ATP। ठीक,
जीटीपी क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में जीटीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा ग्लूटामेट को की ट्रांसफ़र में, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट करने में इसको क्या करेगा, रोकेगा। कि जीटीपी जब होगा हमारी बॉडी में ज़्यादा तो ये क्या होगा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर होगा, मतलब कि इनहिबिट करेगा। और एडीपी, एडीपी का मतलब है कि हमारी बॉडी में क्या है, एटीपी की या एनर्जी की जो है कमी है, ठीक। जब वो कमी होगी तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा ताकि ये एक्टिवेट हो प्रोसेस आगे चल के इसमें से हमें एटीपी जनरेट करके दे, ठीक है। तो ये जीटीपी क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, और एडीपी क्या है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के लिए, ठीक। अभी हमने शुरू में क्या कहा था कि डीएमाइनेशन के बाद क्या होगा, NH3 अमोनिया जो है जनरेट होगा। अब वो अमोनिया जाएगा यूरिया साइकिल में अंदर, यूरिया साइकिल अब होती कहाँ पे है, लिवर के अंदर, ठीक। अब लिवर में जो है यूरिया साइकिल होती है, अब ये लिवर में जाने तक ये जो अमोनिया है इसकी ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, अब हम वो करेंगे कि इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन से अमोनिया हमारे पास आ गया, ठीक। अब अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक। अब वो दो मैकेनिज़म्स कौन से होते हैं, फर्स्ट मैकेनिज़्म है हमारे पास, अब ये देखिए मसल है, ठीक। मसल के अंदर क्या बना, ग्लूटामेट बन गया। अब जो ग्लूटामेट है वो अगर ब्लड में जाएगा तो ये ब्लड के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक। अब टॉक्सिक है इसलिए इसको क्या होता है, कन्वर्ट होने की ज़रूरत होती है नॉन टॉक्सिक में। अब जो ग्लूटामिन है वो होता है नॉन टॉक्सिक। अब इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, ग्लूटामिन सिंथेस हम यूज़ करते हैं, जिसमें एटीपी भी हम यूज़ करते हैं और अमोनिया भी देते हैं, ठीक। अब ये सारी अब जब हम चीज़ें इसको देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामिन में, एटीपी, अमोनिया और ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन सिंथेस जो है ये हम दोनों यूज़ करेंगे तो ये ग्लूटामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नॉन टॉक्सिक है, ठीक, नॉन टॉक्सिक है। अब क्या है, ये नॉन टॉक्सिक ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे लिवर के अंदर ग्लूटामिन। अब लिवर के अंदर जाके ग्लूटामिन क्या है, अब इसको दोबारा ग्लूटामेट में कन्वर्ट होना है। ग्लूटामेट में कन्वर्ट होने के लिए अब यह यूज़ क्या करेगा, ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज़ करेगा। ग्लूटामिनेज एंजाइम यूज़ करने के बाद क्या होगा, ग्लूटामिन जो है वापस से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कि हमने अमोनिया जो यहाँ पर दिया था इसको, वो अमोनिया, फ्री अमोनिया रिलीज़ करेगा इसमें से। ग्लूटामिन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो अमोनिया दिया वो अमोनिया इसमें से फ्रीली रिलीज़ हो जाएगा और वो आके यहाँ पे यूरिया बनाएगा, ठीक। अब हमें वैसे भी इसको यूरिया साइकिल में भेजना है तो ये यूरिया साइकिल में जाएगा, ठीक। अब उसके बाद है हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म। अब जो सेकंड मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं एलानिन फॉर्मेशन, ठीक। अब एलानिन फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हम एलानिन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब एलानिन के फॉर्मेशन में हमने पहले से पढ़ के आए हैं कि एलानिन जो है ये इस तरह का रिएक्शन किया है, हमने एलानिन जो है अपना अमोनिया ग्रुप जो है दे के कन्वर्ट हो जाता है, इसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जब हम इसको रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ग्लूटामेट अपना एनएच जो ग्रुप है उसका NH3 वो पायरेवेट को देके उसको कन्वर्ट कर देगा एलानिन में, और ख़ुद कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा मैकेनिज्म है वो क्या है, यही मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूटामेट को हम कन्वर्ट करते हैं एलानिन में, ठीक है। ग्लूटामेट अपना NH3 ग्रुप देता है पायरेवेट को, फिर वो पायरेवेट जो है एलानिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये इस तरह से इसमें दिखाया गया, ग्लूटामेट तो हमारी बॉडी में जिस तरह से हमने बनाया था वो बन गया, ठीक। अब उसमें से क्या होगा, जो ये सक्सिनाइल को है और ये जो ब्रांच जो चेन अमाइनो एसिड्स हैं इनमें से क्या बनेगा, पायरेवेट बन गया, ठीक है। अब ये पायरेवेट यहाँ से आया है इनमें से, और ग्लूटामेट हमने जो बनाया था मसल के अंदर वो है, ठीक। अब ये ग्लूटामेट जो है अपना NH ग्रुप देगा पायरेवेट को, जब वो NH3 ग्रुप देगा पायरेवेट को तो वो पायरेवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलानिन में, ठीक है। और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब वो कन्वर्ट होने के बाद जो ये एलानिन है वो एलानिन के फॉर्म में जाएगा हमारी लिवर के अंदर, लिवर में जाके फिर वो दोबारा से ये पायरेवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ग्लूकोज बनाएगा, मींस के एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये है हमारे पास दो मैकेनिज्म थे जिसमें से ये हमने दोनों कर लिए, ठीक।